एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB में वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी है नेट ASTO एग्जामिनेशन 2021 और इनके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम आपको बता दें कि ASTO और नेट की ये वैकेंसी हैं और इसमें अगर फीस की बात करें तो ARS और STO और नेट की अलग अलग फीस दी गई है और इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 5/4/2021 से और एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25/4/2021 और ASTO की पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी की और OBC की फ़ीस है 500 रुपये और SC/ST की फ़ीस में छूट है। अगर नीट की बात करें तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है 1000 रुपये, OBC की 500 रुपये, SC/ST और फीमेल की फ़ीस है 250 रुपये और ये फीस सभी ऑनलाइन होंगी और नेट बैंकिंग के और ई चालान के जरिए ही भरी जाएंगी। एग्जामिनेशन प्राइमरी होगा जून 2021 में। एज 1/1/2021 को मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स ARO पोस्ट के लिए और STO पोस्ट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स तक दी गई है और नेट के लिए भी यही है। और एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के लिए मिनिमम अगर इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS में अगर एलिजिबिलिटी की बात करें डिग्री की तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसल्टेंट सब्जेक्ट संबंधित सब्जेक्ट से और अगर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO की बात करें तो इसमें भी संबंधित सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET में भी यही योग्यता मांगी गई है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 287 टोटल पोस्ट हैं ARS के लिए 222 और STO के लिए 65 और नेट के लिए नहीं दी गई हैं।